हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। और मिलवाती हूँ अपने बच्चों से, दोनों लोग बहुत सारा दिन, शैतानी सारा दिन हम अकेले हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब बताओ, अकेले हम इतना परेशान हो जाते हैं इन दोनों लोगों से। देखिए ये बैठे हुए, इनका पेपर भी होना है, ना तो ये बराबर पढ़ाई करते ना तो कुछ। और ये देखो, इनको मैंने होमवर्क दिया लिखने के लिए। दोनों लोग अकेले हो कि मतलब बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और देखो कमरे की हालत क्या की है, अभी हम गए थे सब्जी लाने तो देखो पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिए, पूरा कमरा देख रहे हो, झाड़ू पोछा सब कुछ हुआ है, सब चीज़ हो गया घर में। उसके बाद ये लोग कमरे की हालत इस तन की रखे कि मेरा ऐसे दिमाग। आप लोगों को दिखाते हैं किचन में क्या बना रहे हैं। इन लोगों की फरमाइश से पराठा, इनको पराठा ही खाना, मुझे पराठा खाना, मुझे पराठा। तो ये देखो पराठा सेकने जा रहे हैं। और ये मेरा ट्राईपॉड है, इसमें लगाएंगे। और इधर देखो पानी मैंने चला दिया, आरओ का पानी देखे भर रहा कि नहीं। हाँ भर रहा, पानी इतना भर गया, पानी वहाँ भर रहा। और अब इसको तो गाइज उसके बाद मैं सेकने लगी हूँ पराठा। और पराठा सेक के बच्चों को, और इस समय बच्चे मेरे बहुत परेशान करते हैं, उनको सारा दिन कहेंगे मुझे पराठा ही खाना है। तो गाइज अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनते हैं। हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, हम तीनों लोग साथ में खाना खाएंगे। सब लोग हेलो हाय करो, बुआ मौसी चाचा से, बिट्टू चाचा से हेलो करो, बोलो हेलो चाचा, हेलो चाचा, हेलो मौसी, नमस्ते, मौसी नमस्ते, नमस्ते नानी, नमस्ते नानी से करो, नानी नमस्ते। देखो मेरे बच्चे कर रहे हैं नानी नमस्ते। हाँ नानी से नमस्ते करो बाबू, सही से बैठो बच्चा। तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, आप लोग भी आ जाओ खाना खाने। हम लोग आज देखो क्या खा रहे हैं, पराठा है, चावल दाल अचार और नमक, बस इतना है क्योंकि यही खाएंगे। बाबू आप ऐसे बैठो, मेरे बच्चों के साथ में खाने का मजा ही कुछ दूसरा होता है, तो इसीलिए हम लोग बनाए हैं। मेरी बिटिया को तो सूखा कहेगी, मुझे सूखा खा खिलाना, क्या करें, बच्चों के साथ टाइम निकल जाता कि बाबू। ये मेरा बेटा है। अभी गाइस क्या हुआ, बिट्टू को मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए, तो बिट्टू को दिए थे 30 तक 1-2 लिखने के लिए, और ये लिख ली देख देख के, मुझे लगा कि ये लिखा, इसको भी मैंने लर्निंग के लिए दिए थे। इंग्लिश का है एक पेज है, इंग्लिश का एक प्रोग्राम है, उसको कम से कम उसमें 25-30 लाइन है उनको याद करना है, और इसके 10 दिसंबर को है, तो 10 दिसंबर को इसको स्कूल जाना है और उससे याद करना है। इसको मैंने दिया याद करने के लिए, सही से बैठो बाबू, तो ये याद नहीं करा, हमको लगा कि ये लोग खेलने में पड़े हैं याद कर नहीं रहे। इससे पूछे किसने लिखा, बोले हमने लिखा मम्मी, हमको लगा कि इसके भाई ने लिखा, हम पिटाई करने पहुंच गए। हमने कहा फिर से लिख के दिखाओ, उसमें 8 जैसे था और 2-3 वो थे अक्षर मैंने लिखवाए गिनती के, जैसे 8 लिखवाया और 9 था, 5 मैंने कहा लिख के दिखाओ, 4 लिख के दिखाओ जो थोड़ा थोड़ा टफ थे, ये लिख के दिखा दी। मुझे बहुत खुशी क्योंकि ये लिख लेती थी, मगर मुझे ये नहीं मालूम था ये 30 तक लिख लेगी। मैं इन लोगों को पीटने जा रही थी। तो गाइस आप लोग भी आइए खाना खाइए हम लोगों के साथ में, घर में तो अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम हमारे बच्चे और सब लोग ऐसे बैठ के खाना खा लेते, मन नहीं लगता किसी चीज के लिए। लो बाबू, और ये लोग 2-3 दिन से सिर्फ पराठा खाना, पराठा खाना, पराठा खाना। हमने कहा पराठा आप खाओगे
हम नहीं बनाएंगे रोज पराठा, और फिर चलो एक टाइम पराठा खाओ चल जाए, सुबह शाम दोपहर पराठा खाएंगे, सुबह शाम दोपहर पराठा खाएंगे, सारा दिन पराठा खाने में वो भी खराब पड़ता है। तो गाइज पहले हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। और गाइज हमें मालूम नहीं था कि आज एकादशी, एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, हमारे यहाँ भी नहीं बनता, मगर मुझे मालूम नहीं था, याद ही नहीं था, इसके लिए मैंने बनाया और खाया भी। अब क्या करें, मजबूरी था, बनाए हैं, बच्चों को भी खिलाएं। तो गाइज यहाँ पे मैं कमेंट का रिप्लाई कर रही थी, इसमें कौन डालेगा। तो चलिए गाइज खाना तो खा ही लिए हम लोग सारे लोग। क्या कर रहे हो बेटा, गंदी बात करते हो ना, इसीलिए तुमको मारने का मन होता है। खाना खा लिए, अब बर्तन वर्तन रखने जा रहे हैं। और ये देखो, देखो कितने शैतान बेटा, ये देखो, देखो ऐसे भगा, देखो ये भग गया। और ये देखो इनको, देखो, और पूरे घर में केवल फैलाना इन्हीं लोगों का है। हम कर कर के एकदम थक गए, और पिटाई भी जम के फिर हम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे तो फिर पीटेंगे। तो खाना तो हो ही गया, अब रखते बर्तन को। अब ये देखो इतने सारे बर्तन भी साफ करने, ये देखो इन लोगों का देते हैं दूध इसी समय, दूध छान। बेटा अपनी बॉटल लेके आ, बिट्टू बिट्टू याद नहीं कर रहा, इतना गंदा लड़का, इतना गंदा लड़का है, हमको बहुत परेशान हो गए, बच्चों को अकेले संभालना। आज गलन बहुत है हमारे यहाँ, आज ठंड बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, क्या ठंड भाई है सब जगह। ऐसे कहते हैं जो हिंदी के, उससे कार्तिक अगहन, अगहन चल रहा, अगहन में 15 दिन बीत गए तो ठंड तो होगी, 15 दिन बीत गए अगहन, अगहन के बाद लगेगा पूस का ना टूस, आप भी बहुत गंदी लड़की हो। इसको हम रख देते थोड़ी देर पकने के लिए, पकता रहे, चलते बच्चों का दूध देते, अभी देखना कैसे नाटक करेंगे दोनों लोग। अब वो देखो सामने बैठी हुई है ना, सारा सामान सब फैला रही है, देखना भी। ए बाबू लो, लो जल्दी से पकड़ो, लो अपना दूध पकड़ो, बस सोने की तैयारी, सोने की नहीं लिखो, और लिख के पढ़ के कब सोने, चलो बिल्कुल लिखूंगा जी। हाँ ये देखो, हाँ लिखोगे, देखो दिखाते जूम करके, ये देखो 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 तो लेट के पीने लगी, मगर उनका उनका हाल है। उसके बाद गाइस मैं आ गई हूँ दवा खाने, क्योंकि खाना भी खा लिया, और देखो मेरे दोनों बच्चे सो गए, और इस टाइम पे वही बज रहे होंगे 11:30 का कुछ टाइम होगा। और लगभग मेरे सारे काम कर लिए मैंने, बर्तन किचन सब कुछ साफ कर लिया, तो ये सारा मैं रात में ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गाइस यहाँ मैं दवा खा के पानी पीती हूँ, और यानी दवा खा लिए, बहुत लोग को विश्वास नहीं रहता है कि मैं बताती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं दवा खाती, कुछ लोग बात को मेरी मानते ही नहीं है। तो गाइस दवा मैंने खा लिया है, और यहाँ पे वापस दोबारा फिर टैबलेट निकाल रही हूँ, फिर दवा खाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे दवा तो मैंने खा ली थी, तो इसी वजह से टैबलेट ये देखो यहाँ तक लेके गए, फिर भूल गए, मतलब याद नहीं आ रहा था, दिमाग कितना पागल हो गया, याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने दवा खाई कि नहीं, फिर मैं दवा उसको रख दी हूँ क्योंकि और खा ली थी। गाइस ये देखो मेरे पापा, मैं अपने पापा पे ही गई हूँ, देखो पापा की परछाई हूँ ना, पापा और मम्मी पे मैं मिक्स हूँ, कलर अपने पापा का ली हूँ, मेरे पापा एकदम फेयर थे तो मैं पापा का ही कलर ली हूँ। आई मिस यू पापा, पापा की याद बहुत आती, बहुत ज़्यादा। पापा रहते थे, आते रहते थे अक्सर,
फिर गाइस उसके बाद मैं धुल रही हूँ बॉटल, यानी रात को ही बॉटल इसका उबाल के रख दूँगी, क्योंकि बिट्टू मेरी सुबह दूध मांगती है, रोती है। तो देखो बॉटल को हम सबसे पहले पानी में उबालते हैं, फिर इसको साफ़ कर लेते हैं तो साफ़ हो जाती। और गाइस देख लो, ये सब करते हुए रात के 12:15 बज गए। अब मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट।